जनरेशन के साथ एक अलग टफनेस आती है डांसिंग में. आज जनरेशन में जो टफनेस है वो है जो उनके ट्रिक्स होते हैं, उनके एक्रोबैटिक्स होते हैं, वो बहुत ऐड हो गए हैं और उसकी वजह से और डांसिंग कठिन हो गया है. ऑफकोर्स एक्सप्रेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी एक कठिन अभिनय जो है वो भी एक कठिन चीज़ है डांस की, उसे भी उन्हें मास्टर करना है, उनके ट्रिक्स भी मास्टर करने हैं और ग्रेसफुली डांस करना है. तो बहुत सारी कठिनाइयों के थ्रू उन लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं जिस दीवानगी से, पैशन के साथ, इसलिए नाम है इसका डांस दीवाने. लेकिन मैं एक बात मैम के बोलना चाहूँगा कि टेक्निक तो हम लोग सिखा सकते हैं, लेकिन जो अभिनय की बात की मैम ने वो सिखाना बहुत सबसे मुश्किल है कि एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं. वो आपके अंदर पहले से होने चाहिए तभी आप कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डांसिंग लेवल बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस मैम देती थी और अभी देती हैं वो वैसा कंटेस्टेंट हमें अभी तक नहीं मिला है. तो आई थिंक इस सीज़न में शायद हमें कोई मिल जाए. अभी जैसे कि आई थिंक शशांक ने बोला कि जो हमारा स्ट्रेंथ थी फर्स्ट सीज़न की, उसी को आगे कंटिन्यू करके, और मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं हमारे ऑडिशंस के और जो हमें कंटेस्टेंट्स मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. आई थिंक पिछली बार से जो डांसिंग लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है इस बार. सच कहूँ तो तीनों जो शोज आप जो जिनकी बात कर रही हैं वो तीनों कलर्स पर ही है, सो वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं. कलर्स की जमाई है कि आज यहाँ शूटिंग है, कल वहाँ शूटिंग है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ. कमिंग टू डांस दीवाने, आई थिंक हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सीज़न टू आ रहा है. मैं एज अ होस्ट आई एम हियर टू हैव फन. ऑब्वियसली एक कंटेस्टेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप मेरा बनेगा. एंड सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि माधुरी मैम है इसमें, और जब भी उनके बारे में बात करता हूँ आई स्टार्ट ब्लशिंग. ऑफ कोर्स द बैंटर बिटवीन मी, शशांक एंड तुषार. डोंट ब्लश नाउ, स्टॉप ब्लशिंग. तुषार तो पिछले 6 महीने से सिर्फ जिम में ही था और वर्कआउट ही कर रहा है. ये किचन चैंपियन है, ये जिम चैंपियन है. उनके बीच जाता है, कपड़े उतारता है और बड़े बड़े एब्स बनाए उसने, तो आपको वो सब भी देखने मिलेगा. शशांक बहुत अच्छा बोल, शशांक के एब्स नहीं देखने मिलेंगे, वो आपको सीजन 4 में देखने मिलेंगे. डायरेक्शन इजी होता है या डांस शो को जज करना? ऑनेस्टली आई थिंक डायरेक्शन इज टफर. लकीली जो हमारा जजिंग का फॉर्मेट था वो काफ़ी अच्छा हो गया. माधुरी जी रियली हेल्प्ड अस इन द बिगनिंग और हमारे एक अच्छी केमिस्ट्री जम गई. डायरेक्शन बहुत टफ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से फिल्में आती हैं और कैसे फ्राइडे को एक ही दिन में जजमेंट हो जाता है. यहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास इम्प्रूव करने का स्कोप होता है, हमारे पास एक फ्राइडे है उसी में डिसाइड हो जाता है. एंड इट हार्डली टेक्स लाइक, आजकल तो मैंने नोटिस किया है कि 9 बजे फिल्म रिलीज़ होती है, 9:30 बजे पहला रिव्यू आ जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि तुमने पिक्चर देखी कब. तो यू नो, सो आई थिंक डायरेक्शन इज़ डेफिनेटली टफर, पर जितना मज़ा मुझे यहाँ पर आ रहा है आई रियली होप कि नॉट जस्ट सीजन 2 बट इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वॉट अबाउट टैप डांसिंग? मैं सीख रहा हूँ, मैंने, मुझे मालूम है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं टैप डांसिंग अभी आई होप देखने मिले, कुछ सीख ले तो मेरा बॉडी वेट इतना है. हाँ मतलब एक तो मेरा बॉडी वेट इतना है कि वो इट्स नॉट वेरी सूटेबल फॉर टैप डांसिंग. तो माधुरी मैम आपकी फिल्म भी आ रही है अभी एज अ प्रोड्यूसर, अभी तो कितनी एक्साइटेड है आप? आपकी मराठी फिल्म आने वाली है? आ गई है, नेटफ्लिक्स पे आई और 15 अगस्त है और उसका नाम प्लीज देखना आप. आप बोल रहे हैं उसको आगे बहुत मराठी लैंग्वेज. गाइस लास्ट क्वेश्चन, मैं अजय जी के पिता हमारे बीच नहीं रहते. नहीं, मेरी कंडोलेंसेस टू अजय जी की फैमिली, काजोल, एवरीवन. मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, बहुत बहुत अच्छे इंसान, अ वेरी गुड फाइट मास्टर. मुझे लगता है उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, आई एम नॉट मिस्टेकन. और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था. जब भी पता चलता था कि वीरू जी एक्शन करने वाले हैं तो ये मतलब तसल्ली मिलती थी कि पूरा जो सेफ्टी होता है उसका वो पूरा ख्याल रखते थे और स्पेशली हीरोइंस का ख्याल रखते थे कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े. बहुत बहुत अच्छे इंसान भी जी. अगेन एज माधुरी जी ने कहा कि कंडोलेंसेस टू द फैमिली, टू अजय जी फैमिली, टू काजोल जी फैमिली. एंड उनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं. उनके एक्शन, एक ज़माने में उन्होंने तब एक्शन किया था जब सेफ्टी फीचर्स कम हुआ करते थे, एंड येट ही वुड एंश्योर दैट एज VFX नहीं होता था, बॉडी डबल्स का रोल कम होता था, तो उनको एक्चुअली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पड़ता था. एंड ऑल आई कैन से इन दिस टाइम इज़ दैट प्रेयर्स टू द फैमिली, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. थैंक यू.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you.